हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुवर्या। दोस्तों, इस सेशन में हम आपके सेकंड यूनिट में से फिफ्थ चैप्टर यहाँ पे प्रिंसेस का वार्मिंग अप देखने वाले। तो फिर चलिए वार्मिंग अप की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यूज अ डिक्शनरी, इंटरनेट एंड फाइंड आउट व्हाट ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो शॉर्ट स्टोरीज के डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइप्स होते हैं एंड वी हैव टू नो अबाउट which or what is the content of that stories. First, fable, a short story with a moral, often with animals or inanimate characters. Second, anecdote, a short account of a particular incident or event, especially of an interesting nature. Third is fairy tale, a traditional story written for children that involves imaginary creatures and magic. Fourth is parable, a simple short story told in order to make a moral or religious point. After that, that is tragedy, a dramatic composition in verse dealing with a serious theme. And afterwards, lastly, humorous story, a story that is funny and makes one laugh. Next is detective story, a story whose plot revolves around investigation and solving crimes. And lastly, that is myth, a ancient traditional story considering early history of group of people or natural events. Here we complete the first question. Now move towards the question second. Have you heard of the birds that fly from one part of the world to another in a small or large flocks? So, आपने कभी ऐसे पंछियों के बारे में सुना है जो कि दुनिया के एक एंड से दूसरे एंड तक का सफर तय करते हैं? दे आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। हम माइग्रेटरी बर्ड्स मींस स्थलांतरित पंछी बुलाते हैं। डिस्कस एंड राइट डाउन टू रीजंस व्हाई दे माइग्रेट एंड रिटर्न। तो आपको यहाँ पे उनके माइग्रेशन के जो दो रीजंस है वो डिस्कस करने हैं। फर्स्ट, बर्ड्स माइग्रेट ड्यू टू हार्श क्लाइमेट व्हेन इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, दे मूव टू वार्मर रीजन। दे माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड फॉर द पर्पस ऑफ नेस्टिंग। Have we completed the second question? Now move towards the question third. Question third is very important. Listen carefully. Speech or dialogues can be reported in two ways, that is direct and indirect. When the exact words of the speaker are reported, we call it direct speech. When the exact words of the speaker are not reported, but just its contents, we call it indirect speech. Direct speech is Amar said, "I shall come to meet you tomorrow, Sanket." In direct speech, Amar told Sanket that he would go to meet him the next day. Now, note down the changes you observe in the indirect speech. What changes we do in the indirect speech? Answer: inverted commas are removed. Second, we use the word that. Tomorrow becomes next day. Change in words. Tense changes simple future shall, changes to the simple past would. Here we completed the warming up. I hope आपको यह वार्मिंग अप समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तो इसी तरह से सभी क्लास का सभी सब्जेक्ट के वीडियोज एक ही जगह पे देखने के लिए प्ले स्टोर पे जाइए, गुरुवर्या सर्च कीजिए और हमारा यह एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। यह एप्लीकेशन सबके लिए बिल्कुल फ्री है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उस पर मैसेज कीजिए, ताकि हमारी टीम आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में मदद कर सके। एप्लीकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है, वहाँ पर भी जाकर आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके भी लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। इस एप्लीकेशन में हमने चार्ट सेक्शन दिया है, जिसके भीतर आप आपके सभी डाउट्स आपके जो अदर क्लासमेट्स हैं उनके साथ मिलकर ग्रुप डिस्कशन करके सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे टीचर्स भी हैं, उनके साथ भी डिस्कस करके आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में नए वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर।